अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं दानिश मलिक हाजिर खिदमत हूँ आप लोगों के लिए एक बेहद अफसोसनाक खबर लेकर। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली शरीफ से निकल कर आ रही है। बरेली शरीफ दरगाह शाह शराफत मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुबारक के सज्जादा नसीन हुजूर सकलैन मियाँ अब हमारे बीच में नहीं रहे। हुजूर सकलैन मियाँ का आज यानी 20 अक्टूबर 2023 बरोज जुमे के दिन रात 8:50 पर इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, आपको बता दें, हुजूर सकलैन मियाँ को तबीयत खराब के चलते बरेली शरीफ दीपमाला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और आज 20 अक्टूबर 2023 बरोज जुम्मे के दिन रात 8:50 पर सकलैन मियां दीपमाला हॉस्पिटल के अंदर इस दुनिया खानी से पर्दा कर गए। दोस्तों, जैसे ही हुजूर सकलैन मियां के विसाल की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उनके चाहने वाले और उनके मुरीद हजारों की तादाद में बरेली शरीफ के दीपमाला हॉस्पिटल के अंदर हुजूर सकलैन मियां के आखिरी दीदार के लिए पहुंचना शुरू हो गए। फिलहाल दोस्तों, इस वक्त हुजूर सकलैन मियां के जिस्मे मुबारक को बरेली शरीफ के दीपमाला हॉस्पिटल से लेकर उनके घर पर पहुंचाया जा चुका है, जहां पर उनके हजारों की तादाद में मुरीदीन उनके आखिरी दीदार के लिए आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि हुजूर सकलैन मियां को सबुर्दे खाक कब किया जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कल यानी 21 अक्टूबर 2023 बरोज शनिचर के दिन हुजूर सकलैन मियां को सबुर्दे खाक किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग हुजूर सकलैन मियां से मोहब्बत और यकीदत रखते हैं तो कल बरेली शरीफ पहुंचकर उनके मदफन में शिरकत करके सवाबे दरैन हासिल कर सकते हैं। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर सकलैन मियां के दराजात बुलंद फरमाए और उनकी कब्र मुबारक पर अपनी रहमतों का नुज़ूल अता फरमाए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। क्या पता किसके मुंह से निकला हुआ आमीन अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल कर ले। और इस वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में सवाब की नियत से जरूर शेयर कर दें।